I have a total of rupees 300. 300 rupees में कुछ rupees 1 के हैं और कुछ rupees 2 के coins हैं और कुछ rupees 5 के coins हैं. और यहाँ relation दे दिया कि rupees 2 coins is 3 times the number of rupees 5 coins. इसका मतलब 2 coins का जो relation है वो 3 times of number of rupees 5 coins. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 rupees के coins मानेंगे. Let the number of coins of rupees 5 equal x. अब 2 rupees के coins कितने हो जाएंगे, 3 times. 3 times का मतलब होता है multiply. 3 का multiply हम किस में करेंगे, जो हमने वैल्यू मानी है x. तो 3 multiply x यानी 3x. अब number of coins of one rupees के total coins है 160. तो 160 में से, क्योंकि total coins है हमारे 160 में से हमारे 5 rupees के coins जो हैं और 2 rupees के coins हैं, इन दोनों को plus करके हम 160 में से subtract करेंगे. तो x plus 3x, 160 equal 160 minus ये 3x और 1x कितना हो गया 4x. सेम क्वेश्चन नंबर 14 की तरह हम इसको मनी में कन्वर्ट करेंगे. हम जो 5 रुपीज़ है इसका मल्टीप्लाई x में करेंगे. 5 मल्टीप्लाई x प्लस 2 मल्टीप्लाई 3x प्लस 1 मल्टीप्लाई 160 माइनस 4x इक्वल, टोटल मनी कितनी थी 300, हम इक्वल रख देंगे 300. 5x प्लस 6x प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, सेम डिजिट आएंगी. तो 160 माइनस 4x इक्वल 300. 5x और 6x 11x माइनस 4x इक्वल कितना हो जाएगा 7x, क्योंकि 6 और 5 11, 11 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 4x को, तो 7x. तो 7x प्लस 160 इक्वल 300. राइट साइड में ले जाएंगे हम 160 को, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 7x इक्वल 300 माइनस 160. 7x इक्वल 140 और x इक्वल 140 अपॉन 7 इक्वल 20. नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रुपीस 5 इक्वल x इक्वल 20. नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रुपीस 2 इक्वल 3x. हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू रख देंगे 20 में, तो 3 का मल्टीप्लाई 20 इक्वल 60. 160 माइनस 4x इक्वल 160, ये क्योंकि 1 रुपीस के कॉइन्स हैं, ये हमारे 160 माइनस 4x माने थे हमने, तो 160 माइनस 4x 4 इंटू 20. तो 160 माइनस 80 इक्वल, 160 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 80 को, आपका आ गया 80. तो आपके आंसर हो गए 80 कॉइन्स आ गए आपके. 2 रुपीस के कॉइन्स हैं 60 और 5 रुपीस के कॉइन्स हैं 20. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 60. एक कंपटीशन हुआ, ऐसे कंपटीशन जिसमें पार्टिसिपेंट किया 63 और विनर जो प्राइज मिल रहे थे वो 100 एंड जिनको को जो विनर नहीं थे उनको भी प्राइज दिया गया था 25 रुपीज. तो सबसे पहले हम मान लेंगे विनर्स, जो हमें कितने विनर्स थे जिनको प्राइज हमें 100 रुपीज़ दिया गया था. विनर पार्टिसिपेंट है x और नॉट विनर है 63 माइनस x, क्योंकि यहाँ पर टोटल दिया है 63 पार्टिसिपेंट थे. जो विनर थे उनको 100 रुपीज़ मिला, उनको 100 रुपीज़ दिए गए और जो नॉट विनर थे उनको प्राइज़ के रूप में 25 दिए गए.
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनको मनी में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि टोटल मनी इन्वेस्ट की गई थी और थी 3000। तो x मल्टीप्लाई 100 प्लस 63 माइनस x मल्टीप्लाई 25 इक्वल 3000। ये हमने x का मल्टीप्लाई 100 में किया तो 100x। अब 25 का मल्टीप्लाई हम 63 में भी करेंगे और 25 का मल्टीप्लाई हम x में भी करेंगे। तो 63 मल्टीप्लाई 25 माइनस x मल्टीप्लाई 25 इक्वल 3000। यहाँ पर आपके 100x प्लस के हैं, 25x माइनस के हैं, तो 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 25x, तो इक्वल बचेगा 75x। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 63 मल्टीप्लाई 25 इक्वल 1575 आएगा। इनके बीच में एडिशन है, राइट साइड में ले जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया और x इक्वल 75 का राइट साइड में ले जाएंगे तो डिवीजन हो जाएगा, 1425 डिवाइडेड बाई 75 इक्वल 19। ये आपका आंसर आ गया 19। पार्टिसिपेंट विनर पार्टिसिपेंट थे वो 19 थे।